आपका फिर से स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कार के पूरे इंटीरियर क्लीनिंग के बारे में। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर पे आ जाता है एक कार पॉलिश, ऑल इन वन कंपनी का है, मल्टीपर्पज लिक्विड पॉलिश कार के लिए, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों के लिए है। लेकिन आज हम इसको इंटीरियर में यूज करने वाले हैं। और इसके साथ एक फोम मिल जाता है, इसकी हमने एक वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, जो आपको अभी आई बटन में शो हो रहा होगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आ जाता है ये वैक्यूम क्लीनर, हमने इसकी भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, जो अभी ये आपको आई बटन में शो हो रहा होगा, वहाँ से आप जाकर इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो इन्हीं दोनों की मदद से हम अपनी कार को साफ करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं साफ करके। पहले हम वैक्यूम क्लीनर से धूल मिट्टी को साफ करते हैं। तो हम इसको फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। हमने अनबॉक्स तो कर ही लिया है, लेकिन डब्बे से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये मिल जाता है, फिर उसके बाद ये वैक्यूम क्लीनर में लगाने के लिए। देखिए गंदा हो पड़ा है, हमने इसको बहुत 3-4 महीने से यूज कर रहे हैं। देखिए इसको दबाने से खुल जाता है। इसकी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, इसको यूज करने के कैसे यूज करते हैं। तो हम इसको आपको दिखाना क्या है, हम इसको लगाकर चार्जर होल्डर में इसको लगाते हैं। पहले तार को ओपन करते हैं, जहाँ पे आपके कार का चार्जर लगता है वहीं पे यह लग जाएगा। तो हम उसको आगे कर लेते हैं वैक्यूम क्लीनर। देखिए हमने इसको यहाँ पे लगा दिया और फिर की को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत अच्छी तरीके से घीच ले रहा है छोटे चीजों के, जैसे देखिए यहाँ पे बड़ा प्लास्टिक है तो इसको घीचने में ज्यादा कठिनाई हो रही है, लेकिन इसने तो भी इसने अपने अंदर उगल लिया मुंह के अंदर। बहुत ही आवाज करता है। हम इसको पूरा साफ कर आपको दिखाते हैं। तो हम फटाफट से चार्जर रिमोट वगैरह हटा लेते हैं। मास्क जरूरी है कहीं भी आने जाने के लिए, इस समय लॉकडाउन नहीं है लेकिन कोरोना का दौर है, तो इसलिए हम हमेशा कार में मास्क रखते हैं कहीं जाने आने के लिए। तो हम देखिए साफ करते हैं। ओ में ज्यादा मिट्टी भर चुका है, इसीलिए ऊपर से मिट्टी फेंक रहा है। तो हम इसके फिल्टर को साफ कर लेते हैं फटाफट। तो इसको प्रेस करके फिर इसको साइड में हम रख लेते हैं। देखिए इसको इस तरीके से ठोक कर फिल्टर को साफ करते हैं। अगर आप फिल्टर नहीं साफ करेंगे तो ये ऊपर से फेंक देगा मिट्टी आपके मुंह पे ही। तो देखिए यहाँ पे साफ हो चुका है, हम इसको फिट कर लेते हैं। तो हमने फिट कर लिया है। ये देखिए हम सारी जगह से साफ कर लेते हैं। अरे ये बहुत मैट गंदा हो चुका है, तो हम उसको बाहर पहले निकालते हैं। तो देखिए हमने बाहर मैट को निकाल लिया है, फिर उसके बाद वैक्यूम क्लीनर से हम ऑन करके फिर उसको भी साफ कर लेते हैं।
देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से साफ कर रहा है। तो हम इस मैट को लगा रहे हैं, फिर उस साइड के भी मैट को हम लगा देते हैं झाड़ कर। तो देखिए हमारी कार फुल क्लीन हो चुकी है, लेकिन हम इसको पॉलिश लगा कर चमकाने वाले हैं। तो उससे पहले हम वैक्यूम क्लीनर को पैक कर लेते हैं बॉक्स में। तो देखिए इस तरीके से हो चुका है, तो हम इसको बॉक्स में पैक कर लेते हैं। तो हम इन सभी सामानों को कहीं दूसरे जगह पे शिफ्ट कर लेते हैं। हमने पीछे के साइड इसको रख दिया है। फिर कुछ इस तरीके का कपड़ा लेकर पहले इसको पोंछ लेना है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से पोंछ लेना है। आप जितने अच्छे से पोंछेंगे और पॉलिश लगाएंगे तो उतनी ही आपकी कार चमकेगी। तो सभी इंटीरियर में जो जो जगह होता है उन सभी जगहों को अच्छी तरीके से पोंछना है। तो हम इसको भी निकाल कर रख लेते हैं। गियर को भी पोंछ लेते हैं। फिर यहाँ पे हमारा रहा चुन्नू मुन्नू सा पॉलिश, तो हम इसको डैशबोर्ड पे रख देते हैं ऊपर, क्योंकि इस जगह को भी पोंछना है हमें। देखिए बहुत धूल इकट्ठा हो चुका है, तो हम इसको पोंछते हैं। वाह, इसको देखकर तो जी करता है कि हम इस पे सो जाए, लेकिन ये क्या बहुत छोटा है, हमारे हाथ के साइज से भी बहुत छोटा है। तो हम इसको भी डैशबोर्ड पे रख लेते हैं। तो हम इस तरीके से सभी जगह को अच्छी तरीके से पोंछ लेते हैं। फिर स्टीयरिंग को भी पोंछ लेते हैं। सभी जगहों को अच्छी तरीके से एकदम पोंछना है, कोई धूल ना रहे। तो देखिए हमने पूरे डैशबोर्ड को पोंछ लिया है। इसी तरीके से आगे पीछे सभी जगहों को पोंछ लेना है। तो हमने इस वीडियो में आपको इसीलिए नहीं दिखाया कि ज्यादा वीडियो लंबा ना हो, तो हमने इसीलिए स्किप कर दिया और आगे का ही सिर्फ दिखा रहे हैं। बाद में पीछे का भी साफ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑफ और स्प्रे के लिए मिल जाता है, तो हम स्प्रे पे कर लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से इसको दबाकर निकाल लेते हैं पॉलिश को। फिर उसके बाद ये जो छोटा सा फोम मिल जाता है, तो इसी से रगड़ते हैं इसको। देखिए अब जितने टाइम रगड़ेंगे तो उतना ही चमक आएगा इसमें। तो सभी जगह को अच्छी तरीके से रगड़ना है। तो हम फटाफट से डैशबोर्ड को रगड़कर आपको एक लुक दिखाते हैं। तो ये रहा हमारे डैशबोर्ड का फाइनल लुक। हम पीछे भी साफ कर लेते हैं, लेकिन अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम आपको नहीं दिखा रहे हैं पीछे साफ कर। इसी तरीके से आप साफ कर सकते हैं।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो अपलोड होती रहती हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।